फसल विविधीकरण के तहत धान की खेती की जगह ऑयल पाम की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के प्रयास तेलंगाना राज्य में जोर पकड़ रहे हैं। दरअसल देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार तिलहन फसलों और खासतौर से पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा दे रही है। दो हजार 21 में भारत सरकार द्वारा एक नई केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम शुरू की गई है। मिशन के तहत अगले 5 वर्षों में मौजूदा पाम ऑयल खेती वाले इलाकों के अलावा 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को पाम ऑयल खेती के तहत लाया जाएगा, जिससे इस अहम तिलहन फसल के लिए हमें विदेशों पर निर्भर न होना पड़े। अब तक 3,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जा चुका है, जिसमें ताजे फलों के गुच्छों और कच्चे पाम तेल का उत्पादन 22,69,000 मीट्रिक टन और 3,40,000 मीट्रिक टन हो गया है। केंद्र सरकार के इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पाम ऑयल किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाना है। सरकार ने इसके लिए निर्धारित मूल्य तय किया है, ताकि खरीदार किसानों से तय रेट पर उनकी उपज खरीदें, जिससे किसान अपनी मेहनत का सही मूल्य पा सकें। तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले के कई किसानों ने परंपरागत धान की खेती की जगह ऑयल पाम की फसल को अपनाकर आज सफलता की नई मिसाल कायम की है। मैं खेती के खर्चे निकालकर प्रति एकड़ लगभग 2 लाख रुपए तक कमा लेता हूँ। ये धान से होने वाली कमाई से बहुत ज्यादा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। पाम ऑयल के साथ ही ये किसान अंतर फसल भी कर रहे हैं, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय भी हो रही है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में भी पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा दे रही है।